सबसे मेन और बहुत ही बढ़िया नज़ारा जो यहाँ से दिखता है वो है ये सामने। एक्चुअली पहुंचा हूँ इस जगह पे और ये जो आप पीछे देख रहे हो ये पानी आता है, ऊपर पहाड़ों से पानी आता है और बहुत ही बढ़िया रहता है यहाँ, चिल पानी रहता है और मौसम भी यहाँ पे मतलब काफ़ी ठंडा रहता है क्योंकि यहाँ पे नीचे तक धूप पहुँचती नहीं है। आजकल ही यहाँ पे धूप पहुँचती है और आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना बढ़िया मतलब मौसम आज साफ है। वैसे रेनकोट तो आज भी मैंने डाल रखा था क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है कि मतलब जब भी निकले हम। साथ में दे दी है अपनी दस्तक। अभी बात हुई थी कि लैंडस्लाइड नहीं होते और यहाँ से ये पहाड़ नीचे आ गया है, अभी जैसे वगैरह ने क्लियर कर दिया है। हेलो गाइस, सो अभी मैं पहुँच चुका हूँ एक शादी में और कुछ रिलेटिव्स के घर पे शादी है और अभी कुछ शाम के 7:30-8 बज रहे हैं और अंधेरा भी काफ़ी हो गया। अभी आपको आई थिंक सो क्लियरिटी अच्छी नहीं आएगी बट मैं आपको यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ, बहुत ही शानदार व्यू है। और थोड़ा सा मैं शादी को शूट करूँगा और जो आप देखिएगा कि हिमाचल में शादियाँ कैसे होती हैं और रोड आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे हैं। मैं आपको अभी थोड़ा सा इसमें शूट करके बताता हूँ। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे रोड हैं और ढांक भी काफ़ी ज़्यादा है। आप देखोगे कि किस तरह से यहाँ पे रोड निकाले गए हैं और ये बिल्कुल ही कच्चे रोड हैं यहाँ पे। सबसे मेन और बहुत ही बढ़िया नज़ारा जो यहाँ से दिखता है वो है ये सामने। अब यहाँ पे सनसेट हो रहा है और आप देख सकते हो कितना बढ़िया व्यू दिख रहा है यहाँ से और कैसे ब्लैक कलर में दिख रही हैं पहाड़ियाँ सामने से और बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ से। और ये नीचे यहाँ पे शादी लगी हुई है, आई थिंक आपको साउंड सुना दे रहा होगा। अब एक्चुअली ऐसे की थोड़ी सी क्लियरिटी बहुत कम आएगी। यहाँ खाने वगैरह हो रहा है, उसके बाद हम निकल जाएंगे और ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तब तक आप इंजॉय कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है। अगर नया कंटेंट आपको लाते रहेंगे नेक्स्ट वीक।